गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट, इन द लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड द समरी ऑफ दैट चैप्टर। द विंड एंड द सन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू वर्ड्स ऑफ दैट चैप्टर। My student, listen to me carefully and look at the slides carefully. New words. Walking means moving slowly. Walking मतलब चलना. Sentence क्या है? The man is walking on the road. Man क्या है? Road पर चल रहा है. Quickly. Quickly का मीनिंग होता है फास्ट, किसी काम को फास्ट करना। सेंटेंस, शी वॉक्स क्विकली, यानी कि वह बहुत जल्दी काम करती है। नेक्स्ट वर्ड नंबर 3, स्ट्रॉन्गर मीन्स मोर पावरफुल। सेंटेंस, सन इज स्ट्रॉन्गर देन विंड। जैसे कि आपने स्टोरी रीड की, उससे क्या पता चला कि जो सन है वो विंड से काफी स्ट्रॉन्ग है। इट्स मीन सन इज स्ट्रॉन्गर देन विंड। नेक्स्ट वर्ड नंबर 4, टाइटली मीनिंग फर्मली। सेंटेंस, द मैन हेल्ड हिज कोट टाइटली। मैन ने अपनी कोट को टाइटली पकड़ लिया था, होल्ड कर लिया था। नंबर 5, shine meaning bright, मतलब चमकना। sentence, the sun shines in the sky, जो sun है वो sky में चमकता है, shine करता है। the sun shines in the sky। next number 6, hotter means more hot, यानी गर्म से भी ज्यादा गर्म होना। Yes, sir, no? more मतलब ज्यादा गर्म होना। सेंटेंस, द सन बिकेम हॉटर एंड हॉटर। सन क्या होता है? और भी ज्यादा गर्म होता जाता है। नंबर 7, वाइपिंग मतलब रबिंग करना, यानी पोंछना। सेंटेंस, द मैन वॉज वाइपिंग हिज फेस। मैन जो है अपने फेस को क्या कर रहा है? रब कर रहा है, वाइप कर रहा है, यानी पहुंच रहा है। नेक्स्ट नंबर 8, वन मींस विक्ट्री मतलब जीत जाना। ये सर नो। सेंटेंस, आई वन द कंपटीशन। आई वन द कंपटीशन मींस मैं कंपटीशन जो हुआ था वो जीत गई या जीत गया। ओके स्टूडेंट, नाउ हियर इज अ असाइनमेंट फॉर यू। So listen to me carefully first. Yes, this is your home assignment. A, write the meanings of these words. अभी आपने meanings और words और plus sentences सीखे, आपको क्या करना है? इन words के आपको meaning बताने, serial number. Number 1, one का meaning क्या है? Yes. ये आपका होम असाइनमेंट है। ओके, ये आपको खुद से पहले आपको सीखना है, उसके बाद आपको यहाँ पर आपको जितने भी याद है आपको उसको अच्छे से लिखना है। नंबर 1, वन। नंबर 2, शाइन। नंबर 3, टाइटली। नंबर 4, स्ट्रॉन्गर। नंबर 5, वाइपिंग। नंबर 6, क्विकली। नंबर 7, वॉकिंग। नंबर 8, हॉटर। तो ये आपका होम असाइनमेंट है, आपको वर्ड्स देखने हैं और उनके मीनिंग्स लिखने हैं। ओके स्टूडेंट, और आपके लिए एक और असाइनमेंट है, आपको क्या करना है? मेक योर ओन सेंटेंसेस। देखो यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, ओनली लिमिटेड वर्ड्स हैं, तो आपको इन वर्ड्स से क्या करना है? अपना सेंटेंस फॉर्म करना है। इट्स मीन जो आपको मैंने बताए हैं प्रीवियस स्लाइड्स में वर्ड के मीनिंग के साथ सेंटेंसेस, आपको वही सेंटेंस कॉपी नहीं करनी है, आपको अपना सेंटेंस फॉर्म करना है। ओके, आपको खुद से सेंटेंस बनाना और फिर लिखना है, जैसे शाइन, वन, हॉटर, क्विकली, स्ट्रॉन्गर। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।
your student. Keep learning. Stay safe. Stay home. Thank you so much.